सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई फेवरेट यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। सो हम नीट बेसिस पे हमारा है पार्ट 4 और हम नीट बेसिस पे हमारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड और हम जो है हमने कल टैक्सोनॉमी तक पूरा किया था। हमने देखा था टैक्सोनॉमी के हमारे चारों एलिमेंट्स को हमने देखा था कौन कौन से होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो टुडे वी हैव आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टॉपिक नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्टली जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब है गिविंग नेम्स, नाम देना। अब नॉमेनक्लेचर जो है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। कितना होता है? टू टाइप्स का होता है, दो तरह का होता है। एक उसमें होता है हमारे पास वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर और एक होता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। अब जो वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर है, ये हमारे जो नॉमेनक्लेचर वो सिंपली दो टाइप का होता है, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर एंड साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। अब वर्नाकुलर जो नॉमेनक्लेचर है ये है लोकल नेम, किसी भी चीज़ को क्या देना, लोकल नेम देना। लोकल पीपल्स के थ्रू हर एक चीज़ को लोकल नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल में ले रहे हैं रोज़ को। इंग्लिश में हम उसको रोज़ बोलते हैं, हिंदी में हम उसको गुलाब बोलते हैं, कन्नड़ में हम उसको गुलाबी बोलते हैं। मतलब ऐसे ही हर एक अलग अलग स्टेट में क्या है, उसको एक अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है। हर एक के लिए, हर एक एरिया में एक अलग अलग लोकल नेम होता है। और जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, ये क्या है, ये साइंटिफिक, ये एक यूनिक नेम है। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर उस चीज़ को उसी एक नाम से जाना जाएगा। साइंटिफिक नेम क्या है, ये एक यूनिक नेम है। तो हमारे पास दो टाइप के हमारे नॉमेनक्लेचर हैं, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर एंड साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। तो जो वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर है ये क्या है, ये लोकल नेम है। और जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, ये साइंटिफिक और यूनिक नेम है। तो अभी हमारे पास जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है हमारा, उसके भी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। तो उसके जो दो टाइप हैं वो कौन से हैं, तो उसके जो दो टाइप हैं वो है, एक है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और एक है ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन कौन से, एक है हमारे पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और एक है हमारे पास ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, और ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, बाय से ही हमें पता चल गया इसके अंदर दो होगा, दो को सीधा से सीधा इशारा कर रहा है ये दो की तरफ। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, एग्जांपल ही क्या है, इससे हम समझ रहे हैं। तो मैंगो, आम आप में से सब खाते होंगे और बहुतों का ये फेवरेट भी होगा। तो जो मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजिफेरा इंडिका। क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो मैंजिफेरा है, ये क्या है, फर्स्ट है, ये जीनस है हमारा, और जो इंडिका है और ये है हमारा स्पीशीज। अब ये जो जीनस है, स्पीशीज है, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ डेट ये क्या है, इस टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, इसके ऊपर ये भी हमारा चैप्टर में टॉपिक है। तो इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम रूल्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास रूल्स क्या है, सबसे पहला तो मैंजिफेरा का, इंडिका का एम कैपिटल होगा और इंडिका का आई हमारे पास स्मॉल होगा। इसके अंदर रूल्स क्या है, ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है हमारी, और उसके साथ इसका जो साइंटिफिक नेम है इज एब्रिविएटेड और रिटन इन एंड। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो एंड में लिखा जाता है, बीच में होता है चाहे, या फिर एंड में लिखा जाता है। फिर है प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कौन सी भाषा में होगी, इटैलिक्स में हम प्रिंट करेंगे इफ हैंड रिटन, और अगर हैंड रिटन होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल हमने मैंगो से समझा है। हम ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, डॉग्स, कैट्स, इसके बारे में भी मैं अपने चैनल पर जो है आपको चैनल पर विजिट करने पर शॉर्ट मिल जाएगी, वो मैं डाल दूंगी चैनल पर। और जो साइंटिफिक नेम है वो चाहे तो एब्रिविएटेड होगा, या फिर हम उसको क्या करेंगे, एंड में राइट कर देंगे, लैटिन लैंग्वेज यूज होगी बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में होगा, और अगर ये हैंड रिटन होगा तो हम इसका अंडरलाइन करेंगे। सो मैं होप करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये जो है जो कॉन्सेप्ट है, नीट बेसिस पे इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको आगे के, अगर आप अच्छे से अभी से मेन पॉइंट्स पढ़ना शुरू करोगे तो आगे जाके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये स्पेलिंग है हाफ, अभी दिखा है मेरे को, एफ
आई सी होगा साइंटिफिक नेम, सो इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने स्पेलिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।